हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 5 ऐसे बेस्ट कोर्सेज बताने वाला हूँ जो फ्यूचर में धूम मचाने वाले हैं और इन करियर ऑप्शंस ने 2023 के स्टार्टिंग से ही धूम मचाना शुरू कर दिया है। तो चलो वो कौन कौन से कोर्सेज है उनके बारे में जान लेते हैं। 5th नंबर पर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने 2023 के स्टार्टिंग में ही बहुत ही धूम मचा दी है और ये हाइप क्रिएट हुई इलॉन मस्क की वजह से, क्योंकि इलॉन मस्क ने 2023 के स्टार्टिंग में ही चैट जीपीटी बॉट को लॉन्च कर दिया। और दोस्तों, चैट जीपीटी के लॉन्च होते ही महज 2 महीने के अंदर चैट जीपीटी ने 100 मिलियन यूजर्स का डेटाबेस बना लिया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि दोस्तों 100 मिलियन यूजर्स पाने के लिए गूगल को 1 साल लगा, वही इंस्टाग्राम को 2 साल लगे। तो दोस्तों, आप सोच सकते हो कि एआई में लोगों का इंटरेस्ट कितना ज्यादा बढ़ गया है और चैट जीपीटी के कॉम्पिटिशन में गूगल ने बार्ड एआई लॉन्च कर दिया और इनके साथ साथ बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज आज मार्केट में उतर रही है। तो दोस्तों, एआई में करियर बनाना आपके लिए बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन फ्यूचर में साबित हो जाएगा। अगर दोस्तों आप साइंस स्ट्रीम से 12th पास आउट कर चुके हो और आपका इंटरेस्ट एआई में है, तो दोस्तों आप बीएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर बी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कोर्सेज कर सकते हो। और अगर आपने अपना ग्रेजुएशन साइंस की स्ट्रीम से कंप्लीट किया है, तो दोस्तों आप पीजी डिप्लोमा इन एआई भी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है जिनको कंप्लीट कर लेने के बाद आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पोस्ट पर जॉब हासिल कर पाओगे। और दोस्तों, इस फील्ड में छोटी से छोटी कंपनी भी आपको पर ईयर 10 लाख रुपीस का पैकेज ऑफर करती है, लेकिन आपके पास महज 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको किसी बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 80 लाख रुपीस तक का पैकेज भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, एआई में करियर बनाना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। 4th नंबर पर है करियर इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अगर दोस्तों आपने अपना 12th आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस की स्ट्रीम से कंप्लीट कर लिया है, तो दोस्तों आप 12th के बाद बीकॉम इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोर्स करके या फिर बीएससी इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोर्स करके इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जो जिंदगी भर चलने वाली है और धीरे धीरे लोग एजुकेट हो रहे हैं और अभी के समय में हर किसी को इन्वेस्टमेंट करने की इम्पोर्टेंस पता है, इसलिए बहुत सारे लोग अपने पैसे को सेविंग करने के बजाय इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। ऐसे में जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर को ही मिलेगा। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनके आप अपना करियर सेट कर सकते हो। और दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बैंकर के पोस्ट पर जॉब हासिल करने के बाद आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, लोगों को कंसल्ट कर सकते हो, उनके पैसे इन्वेस्ट करने में उनकी मदद कर सकते हो और उसके बदले में ढेर सारे पैसे चार्ज कर सकते हो। तो यस दोस्तों, ये कोर्स भी आने वाले समय में धूम मचाने वाला है। 3rd नंबर पर है रोबोटिक्स इंजीनियरिंग। अगर दोस्तों मार्केट में एआई अपना कदम रख देता है और मार्केट में एआई की डिमांड बढ़ जाती है, तो दोस्तों रोबोटिक इंजीनियर की डिमांड भी मार्केट में बढ़ेगी, क्योंकि एआई काम किस पर करता है? रोबोट पर ही काम करता है। तो ऐसे में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज एआई के साथ अपना खुद का रोबोट बनाना भी स्टार्ट करेगी, ऐसे में उनको बड़ी तादाद में रोबोटिक्स इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। अगर दोस्तों आपने साइंस की स्ट्रीम से 12th पास आउट किया है, तो दोस्तों आप बीएससी इन रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, बीटेक इन रोबोटिक इंजीनियरिंग या फिर बी इन रोबोटिक इंजीनियरिंग का कोर्स करके रोबोटिक इंजीनियर बन सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो दोस्तों आप ग्रेजुएशन के बाद पीजी डिप्लोमा इन रोबोटिक्स इंजीनियरिंग का कोर्स भी कर सकते हो। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में छोटी से छोटी कंपनी भी आपको पर ईयर का 15 लाख रुपीस का पैकेज दे देती है और बड़ी से बड़ी कंपनी आपको 80 लाख रुपीस का पैकेज भी ऑफर करती है और ये पैकेज आपको 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो यस दोस्तों, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग का करियर ऑप्शन भी फ्यूचर में धूम मचाने वाला है। 2nd नंबर पर है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दोस्तों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड है जिसके बिना आईटी में कोई भी काम संभव नहीं होता, क्योंकि एआई का बेस कंप्यूटर होता है और रोबोट्स का बेस एआई होता है। मतलब दोस्तों, एआई रोबोटिक्स इंजीनियरिंग डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर। जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर बनाएगा तभी तो एआई काम करेगा और जब एआई काम करेगा तभी तो रोबोट वर्क करेगा। तो दोस्तों, ऐसे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिमांड कभी भी मार्केट से कम नहीं होगी। अगर दोस्तों आपने अपना 12th साइंस
से या फिर कॉमर्स से भी कंप्लीट किया है तो दोस्तों आप फ्यूचर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। मैंने इस टॉपिक पर फुल डिटेल वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरा भाई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको इस फील्ड में 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और उसको पर ईयर 18 लाख रुपीज का पैकेज मिलता है। टॉप नंबर 1 पर है साइबर सिक्योरिटी। दोस्तों साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा कोर्स है जो हमेशा फॉर्म में होता है। इस करियर पाथ की डिमांड कभी भी कम नहीं होगी क्योंकि हर एक बड़ी से बड़ी कंपनी को और बड़ी से बड़ी बैंक को उनका सर्वर सेफ रखना होता है। ऐसे में उनको साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर की जरूरत पड़ ही जाती है। साथ ही साथ दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी साइबर अटैक से बचना होता है जिसके लिए वो बहुत ही बड़े अमाउंट में पैसे पे करने के लिए तैयार होते हैं। अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर बन जाओगे तो यस दोस्तों इस करियर की डिमांड कभी भी मार्केट से कम नहीं होगी। इस टॉपिक पर मैंने एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये स्पेशल वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे।